गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सबसेट्स। तो सबसेट्स के लिए हमारे पास दो सेट्स दिए होंगे। जैसे मान लो फर्स्ट है हमारे पास ए, ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड बी के हैं 1, 2 एंड 3। तो बी जो है वो ए का जो है सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वही बी में भी हैं 1, 2, 3। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास सी के एलिमेंट दिए हैं 1, 2 एंड 6, तो ये जो है ए का जो है वो सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 6 जो है एक्स्ट्रा है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो 1 से लेके 5 तक की है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए सी इज नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ ए। तो हम इसको डिफाइन करेंगे हम सबसेट को कि बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए, कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी ऑफ बिलोंग्स टू ए। अब सबसेट बनते कैसे हैं? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सेट डी दिया हुआ है और उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3। तो सबसे पहले जब सबसेट बनाएंगे तो सिंगल इसके बनेंगे 1, 2 एंड 3, उसके बाद डबल 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। उसके बाद जो है जो खुद का जो सेट होता है वो भी जो है वो सबसेट होता है, तो वो आ जाएगा 1, 2, 3, और साथ में एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है। तो हमारे पास टोटल सबसेट आ जाते हैं 8। अगर इसको हमने फार्मूले से बताना है तो कैसे लिखेंगे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 raised to power n। n जो है हमारा कार्डिनल नंबर होता है, जो कि d के जो एलिमेंट दिए हैं हमारे पास, तो 2 raised to power 3 इक्वल टू 8। थैंक यू।